अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। हमें टीपू सुल्तान नहीं बनना है बल्कि टीपू जयंती मनाना है। जी हाँ, आज इसी मौजू पर बात करते हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों को आज का मौजू अच्छा ना लगे, लेकिन सच्चाई यही है कि हम टीपू सुल्तान नहीं बनना चाहते बल्कि टीपू की जयंती मनाना चाहते। कुछ नौजवानों में टीपू सुल्तान की जयंती को लेकर बेचैनी देखी जा रही है। खुद कई नौजवानों ने मुझसे इसी के बारे में बात करने की कोशिश की। जब दिगर जयंतियां मनाई जाती हैं तो फिर टीपू जयंती मनाने में हमें क्यों रोका जाता है? सवाल बिल्कुल जायज है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन साथ में सवाल भी उतना ही अहम हो जाता है कि क्या टीपू के किरदार को हम अपनाना चाहते हैं या टीपू सुल्तान की जयंती से मुराद ही डीजे या रैली निकालना है। बात को बड़े ही तकलीफ के साथ आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं कि मुसलमानों की बड़ी तादाद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को महज रस्मी तौर पर याद करना चाहती है। अक्सर और बेशतर नौजवानों को टीपू सुल्तान तो दूर की बात, साहबा या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा ही मालूम नहीं। मेरे अजीज भाइयों, यकीनवानों के मैदानों में बहुत दूर ही अपने कदमों को जमा सकते हैं। गैरों का क्या अमल है, कितना बड़ा डीजे लगाते हैं, किस कदर हर जयंती में वो नाचते गाते हैं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर हम ये समझ रहे हैं कि गैरों की तरह हम भी बड़े बड़े डीजे लगाने से ही उनका मुकाबला कर सकते हैं, यह समझना बिल्कुल हिमाकत होगी। यकीनन वो रोक रहे हैं तो आपको सिर्फ मुसलमान होने की बुनियाद पर रोक रहे हैं, लेकिन इसके पीछे मुसलमानों का नुकसान भी है, ये भी समझने की जरूरत है। अगर मान लो आपको इजाजत दे दी जाए तो एक दिन आप टीपू सुल्तान को याद करके करोगे क्या, जबकि मौका था, इससे पहले भी आजादी थी, उस वक्त हमने क्या किया सभी जानते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग अभी कमेंट में भी हमें ताना दे सकते हैं, लेकिन यह सच्चाई है कि हमने हकीकत को अख्तियार करने से दिखावे की जिंदगी जीने में अपना सब कुछ समझ रहे हैं। क्या बड़े बड़े डीजे लगाने से ही हम उनका मुकाबला कर सकते हैं, यह समझना एक तरह की हिमाकत होगी, क्योंकि मुसलमानों के हर फैसले को हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ मोड़ देना चाहिए। दुश्मनों की तैयारियां, उनके मनसूबे, उनकी प्लानिंग के सामने आज का मुसलमान हजारों मील दूर है, हम उनके करीब भी पहुंच नहीं पाते। अगर मौजूदा दौर फितन में इस मार्के को फतह करना है तो उसी नहज पर हमें पलटना होगा जिसको टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह ने इख्तियार किया था। आज सिर्फ टीपू जयंती में डीजे लगाने को लेकर मुकाबला देखने को मिल रहा है। कुछ बेलगाम की जमातों की जानिब से पहल की जा रही है जो वाकई काबिले मुबारकबाद है। बेलगाम शहर के कुछ जमातों की जानिब से शादी ब्याह इजलासों में डीजे गाना बजाना, इस पर पाबंदी लगाई जा चुकी है और उन्होंने ऐलान भी किया हुआ है और जल्द वो मीटिंग भी तलब करने वाले हैं। और साथ में नौजवान नस्ल जो नशे के आदि हो रही है, इसे लेकर भी बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। यकीनन ये बेलगाम के लिए काबिल फख्र बात कह सकते हैं। हाल ही में एक नशेबाज ने रिक्शा ड्राइवर का गला काट दिया, जिसके बाद नशे के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। उज्जवल नगर, खंजर गली, दरबार गली, आजाद नगर के साथ दिगर मोहल्लों में भी नशे के खिलाफ एक मुहिम तहरीक चलाई जा रही है। यकीनन उम्मीद की किरण कह सकते हैं, पर क्या यह तहरीक मुस्तकिल जारी रहेगी, इस पर भी सवाल या निशान है। नौजवानों को बड़े ही संजीदगी से मामले को समझने की जरूरत है। गांजा की नहुसत अक्सर मुस्लिम इलाकों के दरमियान पहुंच चुकी है। जिस काम के नौजवानों में टीपू के किरदार को पेश करना था, आज वही नस्ल नशे में झूम रही है। अपने कदमों पर जिस काम का मुस्तकबिल खड़ा नहीं हो सकता, उससे क्या उम्मीद की जा सकती है कि टीपू सुल्तान और सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी पैदा हो सकते हैं। यही वह नस्ल है, ऐसे कैसे बता सकते, बताइए। बात बुरी लग सकती है, लेकिन सच्चाई यही है कि जिस बहादुर शेर हिंद ने अपनी जानों के नजराने सिर्फ इस मुल्क की खातिर और अंग्रेजों की गुलामी को तस्लीम न करने के लिए दी हो, आज उसकी मोहब्बत में हम उस बहादुर की तरह बनने के बजाय गैरों की तरह जयंती मनाना चाहते हैं। क्या आपको मालूम है कि टीपू किस मुजाहिद का नाम था? कुरान मजीद के हाफिज और तहज्जुद गुजार टीपू सुल्तान ने कभी अपनी जिंदगी में नमाज को कजा न किया था। ऐसे कई वाक्य हैं जिसका तस्करा टीपू सुल्तान की तारीख में हमें देखने को मिलता है। सिर्फ रस्मी याद को अलग शक्ल देकर अपने आप को अगर टीपू सुल्तान के चाहने वाले समझ रहे हैं तो इस खुशफहमी में न रहना। और मजीद बात यह भी बताता चलूं कि जो आज आपको शिकायतें हैं कि टीपू जयंती नहीं मनाने दिया जा रहा है, तो हो सकता है कि आगे टीपू की तस्वीर लगाने पर भी आप पर मुकदमे दायर किए जा सकते। आने वाला वक्त और भी सख्त है जिसके अंदर आप ये खड़े नहीं हो सकते और दुश्मनों का मुकाबला नहीं कर सकते, भले किसकी भी हुकूमत हो। जिस तेजी से मुल्क के हालात बदल रहे हैं, मुसलमानों को अपनी सोच का दायरा भी वसी करना होगा, दूरअंदेशी और फिरासत से काम लेना होगा। तुम्हें अगर आज टीपू जयंती नहीं मनाने दी जा रही है तो कयामत नहीं आ रही, इनकी मामला यहीं पर खत्म नहीं हो रहा, लेकिन आने वाले हालात जो आने वाले हैं उससे मुसलमानों पर कयामत जरूर आने वाली है, जिसका किसी तरह का एहसास कौम को नहीं है।
मुत्तहिद हो जाए, अभी भी वक्त है। अपने छोटे छोटे इख्तलाफात को पीछे फेंक दो। आज टीपू जयंती मनाने वाली नौजवान नस्ल छोटे से मोहल्ले में भी पांच पांच गिरोह बनाकर बैठी है। कभी गैरों की तरफ देखकर अपने आप का जायजा लो, किस कदर सिर्फ मुस्लिम दुश्मनी में वो मुत्तहिद होते जा रहे हैं। उनके पास नस्बुलैन है और इस कौम के पास किसी तरह का मंसूबा नहीं है, यही सच्चाई। मुखबिरों की तादाद तो शायद गली मोहल्ले में सैकड़ों से होगी। कोई भी छोटा सा काम अंजाम देना हो तो, किसी तरह का इजलास करना हो तो इंतजामिया को पहले इसका इल्म हो जाता है। मतलब सोच की कहीं तो कमी है, जिससे समाज माशरे में टीपू पैदा होते हैं। दुनिया की ताकतवर फौज अंग्रेज आज जिस तरह है, उस वक्त भी थे। टीपू सुल्तान ने तीन एंग्लो मैसूर जंग लड़ी, लेकिन चौथी जंग हार गए। महज टीपू सुल्तान का यौम शहादत टीपू सुल्तान की म्यूजिक पर मनाने से टीपू की सिफत हमारे अंदर नहीं आ सकती। वो किरदार, वो जुरत, वो जज्बे ईमानी को हमारे अंदर पायवस्त करना होगा। जब अंग्रेजों ने चौथी एंग्लो मैसूर जंग में उन्हें शहीद किया तो अंग्रेज जनरल हैरिस ने अपने चीफ से कहा कि अब हिंदुस्तान हमारा है, इस मुल्क पर हुकूमत करने से हमें कोई रोक नहीं सकता। आखिर क्या बात थी? टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह में अंग्रेज हमेशा खौफजदा रहा करते थे, और टीपू को शिकस्त देने से पहले किस कदर समाज में गद्दार भी पैदा किए गए और उन्हें खरीद भी लिया गया। ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मीर सादिक और मीर जाफर के औलादों की भरमार आज के मौजूदा दौर में है। तो बताओ कि कैसे दुश्मनों का मुकाबला किया जा सकता है? ताज्जुब की बात तो यह है कि हर कोई मीर सादिक और मीर जाफर बनना चाहता है, बनने की होड़ में लगा हुआ है, और टीपू सुल्तान किसी को बनना नहीं है। और अगर ऐसा होता कि हर कोई टीपू सुल्तान बनना चाहता तो क्या मुसलमानों की हालात इस तरह होती जिसकी तस्वीर फिलहाल देखी जा रही है? हर गली चौराहे पर मीर सादिक नजर आएंगे, लेकिन टीपू सुल्तान एक अरसा गुजर गया, कोई नजर नहीं आ रहा। उनकी सीफत किसी में नजर नहीं आ रही, उनकी जुरत कहीं नजर नहीं आ रही। लिहाजा आओ सब मिलकर फिर से इस माचरे में टीपू को जिंदा करते हैं, टीपू के किरदार को जिंदा करते हैं, और इस दौर के फिरंगियों का मुकाबला करते हैं जो इस मुल्क को फिर से महंगाई, बेरोजगारी, धर्म जात पात की गुलामी में ले जाना चाहते हैं। और इसके लिए डीजे की जरूरत नहीं है, इसके लिए हुस्न अखलाक की जरूरत है, बहादुरी जरूरतमंदी की जरूरत है। नशेबाज नस्ल क्या जिहाद कर सकती है? वैसे तो लफ्ज जिहाद को ही अब दीनदार लोगों ने ही बेदखल कर दिया है। पाकिजा और नबी की मोहब्बत रखने वाले ही इस पाकिजा अमल पर जमकर खड़े हो सकते हैं। मैदानों में फरिश्ते आसमान से उस वक्त ही उतर सकते हैं जब तुम्हारी रगों पे में कलमे तैयबा की अजमत मोहब्बत घुल मिल गई हो। गांजा नोशी का बढ़ता दायरा मुसलमानों के आने वाली नस्ल पर सवाल निशान खड़ा कर रहा है। रस्मी इजलासों की बजाय आने वाले हालात का मुकाबला करने के लिए बेहतर माशरे की तश्कील जरूरी है। लिहाजा टीपू सुल्तान की जयंती की बजाय टीपू सुल्तान बनने की कोशिश करे, तभी समाज का तहफ्फुज़ मुमकिन है। इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।